हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे हम सुबह सुबह पार्क में गए थे, मॉर्निंग वॉक में, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो आप भी बने रहे हमारे साथ और देखिए फूल कितने। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक से आ गए घर पे और पसीना पसीना हो रहा है, और अब मुझे घर का सारा काम करना है, फिर जाना है वैक्सीन लगाने। तो और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे वैक्सीन लगाने, ये आए थे ऑफिस से दिन में, करीब हम जा रहे थे 1-1.30 बजे, और मैंने तब तक घर का पूरा काम कर लिया था, लंच बना लिया था, तो हम गए वैक्सीन लगा के आए, फिर हमने घर आके लंच किया था। ये वैक्सीन मिली वह जगह हमारे कमरे से 19 किलोमीटर दूर है, परीद चौक ग्रेटर नोएडा, स्कूल का नाम था वहाँ पे JP इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा। वहाँ पे स्पेशल सेंटर था जिसके बच्चे 12 साल से नीचे के हैं उन अभिभावकों के लिए स्पेशल सेंटर बना हुआ था, और वहीं हमें वैक्सीन मिली, तो हम दोनों गए थे वहाँ पे। वैक्सीन एक ही मुझे लगी थी, इन्हें तो पहले लगा लिया था इन्होंने दिल्ली जाके, काफ़ी 1 महीना पहले लगी थी इनको, और मुझे नहीं मिल पाई, तो मैंने अभी बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते से लगे हुए थे, 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया था, मतलब ऑनलाइन रजिस्टर कर मतलब ढूंढते ढूंढते अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। 12 साल से छोटे बच्चों का बच्चे हैं जिनके, उनके लिए स्पेशल सेंटर था, तो इसलिए हमें मिल गया था। और मुझे लगता है सब वैक्सीन लगानी चाहिए, वैक्सीन लगाने से फ़ायदा है नुकसान नहीं, महामारी से बचना है तो ज़रूरी है वैक्सीन लगाना। और मुझे वैक्सीन लग चुकी है, और यहाँ पे हमें बोला था कि 1/2 घंटे के लिए बैठना है, तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बहुत दिनों बाद अपना नया ब्लॉग लेके आई हूँ, और अभी रात के 10:30 हो चुके, और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात की जाए, पता नहीं वीडियो तो कब तक अपलोड होगी। आज शुक्रवार है और ये वीडियो आएगी मेरी सोमवार या मंगलवार तक, तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो वॉच कीजिएगा। और हमने यहाँ पे बनाया है जीरा राइस, और ये क्लिप है मेरी संडे की, और राजमा बनाए थे हमने साथ में, राजमा और चावल
जीरा राइस और राजमा बनाए हुए थे। और मैं वीडियो पहले अपलोड नहीं कर पाई, तो मैंने कहा सारी वीडियो एक साथ कर लूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और ये भी संडे का ही है कि उस दिन हम शाम को नर्सरी गए हुए थे, मुझे थोड़ा पेड़ों के लिए खाद चाहिए था, तो मैं गई थी पर मैं नहीं लेके आई। दोबारा जाऊंगी, अगर मुझे एक दो पौधे भी चाहिए थे, जो उस समय बहुत अंधेरा जैसा हो रहा था, सब समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कभी दिन में या सुबह के टाइम आएंगे फिर लेके जाएंगे। तो आप देखिए नर्सरी आपको कैसी लगती है। नर्सरी हमारे रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। हम ऐसे शाम को थोड़ा टहलने गए थे, तो वहीं होके आए एक चक्कर, मैंने कहा थोड़ा देख के आते हैं। फिर लेके तो आए नहीं हम, दूसरे दिन जाके लेके आएंगे प्लांट को। और कितना अच्छा लग रहा है ना नर्सरी इधर का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप लोगों से अब मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा।